नमस्कार मित्रों, साथियों, कभी कभी हमने देखा है कि माता पिता बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, फिर भी बच्चे गलत रास्ते अपना लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? मित्रों, एक संत के पास एक बहरा आदमी सत्संग सुनने आता था। उसके कान तो थे पर उसे सुनाई नहीं पड़ता था। वो बिल्कुल बहरा था, एक शब्द भी नहीं सुन सकता था। अब जब वो सत्संग सुनने आता था तो किसी ने महाराज जी से कहा, महाराज जी, वे जो वृद्ध बैठे हैं वे कथा सुनते सुनते हंसते तो हैं, लेकिन वे बहरे हैं, उन्हें सुनाई नहीं देता और वो दो बार हंसते हैं। एक बार जब कथा सुन रहे होते हैं तभी हंसते हैं और दूसरी बार वो अनुमान करके बात समझते हैं तब अकेले हंसते हैं। बाबा जी ने कहा, जब बहरा है तो कथा सुनने क्यों आता है और रोज एकदम समय पर पहुंच जाता है, कथा को बीच में छोड़कर उठता भी नहीं, घंटों बैठा रहता है। बाबा जी सोचने लगे, बहरा होगा तो कथा सुनता नहीं होगा और कथा नहीं सुनता होगा तो रस नहीं आता होगा, रस नहीं आता होगा तो यहाँ बैठना भी नहीं चाहिए, उठकर चले जाना चाहिए, यह जाता भी नहीं। बाबा जी ने उस व्यक्ति को बुलाया और उसके कान के पास ऊंची आवाज में कहा, कथा सुनाई पड़ती है? उसने कहा, क्या बोले महाराज जी? बाबा ने और ऊंची आवाज में बोला, मैं जो कहता हूँ क्या वह सुनाई पड़ता है? उसने कहा, महाराज आपने क्या बोला है? बाबा जी समझ गए कि यह बिल्कुल बहरा है। बाबा जी ने सेवक से कागज कलम मंगाया और लिख कर पूछा कि मैं जो कहता हूँ वो सुनाई देता है? तभी उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मेरे कान पूरी तरह से खराब हैं, मैं एक भी शब्द नहीं सुन सकता हूँ। कागज कलम से प्रश्नोत्तर शुरू हो गए, फिर तुम सत्संग में क्यों आते हो? अब वो वृद्ध व्यक्ति बोला, सुन तो नहीं सकता हूँ लेकिन यह तो समझता हूँ कि ईश्वर प्राप्त महापुरुष जब बोलते हैं तो पहले परमात्मा में डुबकी मारते हैं। संसारी आदमी बोलता है तो उसकी वाणी मन और बुद्धि को छूकर आती है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी संत जब बोलते हैं तो उनकी वाणी आत्मा को छूकर आती है। मैं आपकी अमृत वाणी तो नहीं सुन पाता हूँ पर आपके मुंह से निकला हुआ सत्संग मेरे शरीर को स्पर्श करता है। दूसरी बात, आपकी अमृत वाणी सुनने के लिए जो पुण्य आत्मा लोग आते हैं उनके बीच बैठने का पुण्य भी मुझे प्राप्त होता है। अब बाबा जी ने देखा कि ये तो ऊंची समझ के धनी हैं। उन्होंने कहा, हंसना आपको अधिकार है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप रोज सत्संग में समय पर पहुंच जाते हैं और आगे बैठते हैं, ऐसा क्यों? तभी उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ, बड़े जैसा करते हैं वैसा ही छोटे भी करते हैं। मैं सत्संग में आने लगा तो मेरा बड़ा लड़का भी इधर आने लगा। शुरुआत में कभी कभी मैं बहाना बना के उसे ले आता था, मैं उसे ले आया तो वह अपनी पत्नी को यहाँ ले आया, पत्नी बच्चों को लेकर आई, सारा परिवार सत्संग में आने लगा, धीरे धीरे सारा कुटुंब सत्संग में आने लगा, कुटुंब को संस्कार मिल गए। ब्रह्मचर्या आत्मज्ञान का सत्संग ऐसा है कि यह समझ में नहीं आए तो क्या सुनाई नहीं देता हो तो भी इसमें शामिल होने मात्र से इतना पुण्य होता है कि व्यक्ति के जन्मों जन्मों के पाप
ताप मिट जाते हैं और एकाग्रता पूर्वक सुनकर इसका मनन करके उसके जीवन का कल्याण होता है। मित्रों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जैसा बड़े करते हैं वैसा ही छोटे भी करते हैं। इसीलिए सबसे पहले बड़ों को ये सोचना चाहिए कि हम जैसा करेंगे वैसे ही छोटे भी करेंगे, तो हम भी सही चलें और छोटे भी सही चलेंगे। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। साथियों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।